मिथुन राशि, आज नए अवसर प्राप्त होंगे, पुराने विवाद भी सुलझेंगे और किसी महिला मित्र से लाभ की सूचना मिलेगी। सावधानी, जल्दबाजी में बिल्कुल तेज मत चलिएगा। उपाय, किसी बड़े को पीले वस्त्र का दान करिए, इससे दिन और बेहतर होगा। सफलता का मीटर आज 80% अंक दे रहा है, सेहत का मीटर 85% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। तुला राशि, आज के दिन आप हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे, विशेष रूप से रुका हुआ काम मिलेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। सावधानी, किसी को गलत राय देने से बचिएगा। उपाय, आज के दिन दिव्यांगों को फल का दान करके दिन को और बेहतर बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 85%, सेहत का मीटर 90% और संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा। कुंभ राशि, प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, आपको शुभ सूचना मिलेगी। करियर के क्षेत्र में आपको प्रगति भी मिलेगी और धन का किया गया प्रयास सफल होगा। सावधानी, भोजन और दवा बिल्कुल समय पर लीजिएगा। उपाय, आज के दिन अपने माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 70% और संबंधों का मीटर 85% अंक दे रहा। मीन राशि, मन की चिंता आज दूर होने वाली है, इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन भी होगा और धन कमाने की दिशा में जो कार्य आपने किया है उसका लाभ भी मिलेगा। सावधानी, जल्दबाजी में कोई कार्य न करिएगा। उपाय, गरीबों को धन का दान करें, इससे दिन और भी शुभ होगा। सफलता का मीटर आज 70% अंक देता है, सेहत का मीटर 80% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा। राजयोग और दुर्योग का, ग्रहों का कनेक्शन तो हमने जान लिया, लेकिन अगर आपकी कुंडली में दुर्योग है तो उसे समाप्त करने वाले वो क्या है उपाय, जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, दुर्योग को समाप्त करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि आप यह जान लें कि किस ग्रह के प्रतिकूल होने से या विरोध करने से यह स्थिति बन रही है। जानने के बाद आप प्रतिदिन वह उपाय करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे नोट करिए, निश्चित आपका दुर्योग समाप्त हो। प्रतिदिन नवोदित सूर्य किरणों को जल निश्चित दीजिए। दूसरा, नियमित रूप से अपने इष्ट देव को तिलक लगाने के बाद स्वयं तिलक लगाएं तथा दुर्योग को पैदा करने वाले ग्रह के बीज मंत्र का जप अवश्य करिए। तीसरा, प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष अथवा दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करिए। चौथा, प्रत्येक सोमवार को शिवालय में जाकर उसके सफाई करिए, इससे अद्भुत फायदा होगा।